वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव द्वारा जनपद भर की थाना चौकियों के आकस्मिक निरीक्षण ने प्रभारियों के होश उड़ाकर रखे हुए हैं। अंदेशा यह कि न जाने कब कहां किस चौकी या थाने पर कप्तान साहब अचानक निरीक्षण कर बैठे और जरा सी लापरवाही पर लग जाए उनकी क्लास। विभिन्न थाना और चौकियों का निरीक्षण करने के बाद कप्तान साहब अचानक शुक्रवार को कोतवाली पहुँच गए। वहाँ SSP को देखकर वहाँ मौजूद पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। यहाँ SSP अभिषेक यादव द्वारा कोतवाली के अंदरूनी और बाहरी परिसर की साफ सफाई का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कोतवाली के पत्रावलियों के रखरखाव को भी देखा। इसके बाद SSP पैदल ही होली गेट की तरफ शहर की सड़क पर निकल पड़े, जहां उन्होंने शहर की यातायात सुरक्षा व्यवस्था को भी परखा। यहां उन्हें CCTV कैमरे की कमी नजर आई, लिहाजा उन्होंने अधीनस्थों को दिशा निर्देश दिए। इस संबंध में SSP अभिषेक यादव द्वारा जानकारी दी गई। ईद और जो है मुंडा पूजा का मेला संपन्न कराने के लिए बहुत बहुत बधाई आप। थैंक यू सर। आप आगे अभी आपने कोतवाली का निरीक्षण किया है और ठीक है, अभी थाना कोतवाली का और होली गेट बाज़ार जो कि मथुरा जनपद का मुख्य बाज़ार है उसका निरीक्षण किया गया, उसमें चेक किया गया क्योंकि यहाँ पर सराफों की दुकानें रहती हैं, तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से, व्यापारियों की सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं, क्या क्या चीज़ें अभी हम इसमें और कर सकते हैं वो चेक किया गया। यहाँ अभी CCTV कैमरे मेरा ऐसा मानना है कि दुकानों पर तो लगे हैं लेकिन चौराहों पर नहीं लगे हैं, जिस पे लगने से यदि कोई घटना हो भी जाती है तो अगर कोई भागता है अपराधी तो हमें उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, तो वो व्यवस्था यहाँ पे इम्प्रूव करी जाएंगी। और ट्रैफिक की व्यवस्था को देखा गया कि किस तरह से और बेहतर किया जा सकता है ताकि जाम ना लगे और यात्रियों को आसानी रहे जो यहाँ पर घूमते हैं, जो ट्रैवल करते हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएँ भी चेक करी गई हैं। थैंक यू।